हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और एक सेकेंड एनीवे कहां थे हम? सो या, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। हेलो अच्छा लिंक भेजा है व्हाट्सएप पे, उस पर क्लिक करने का और क्या फोन काट डाला। वेल, उस लिंक को ओपन करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इस नंबर को ब्लॉक कर देता हूँ। वेल, ऐसे लोगों को एंटरटेन कौन करता है, पैसा अपने खाते से थोड़ी ना निकालना है, क्योंकि हैकर्स 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 आर एवरीवेयर। और ये सिर्फ आम जनता को नहीं बल्कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को भी टैप करते हैं, उन्हें मामू बनाते हैं और फिर बड़े बड़े रकम वसूली करते हैं। हेलो, मैं आपकी बैंक से बोल रही हूँ। मैंने आपके अकाउंट लॉग इन करने के लिए आपको एक लिंक व्हाट्सएप किया है, प्लीज उस पर क्लिक करना और उसे ओपन करना। एक 15 साल के स्कूल जाते हुए बच्चे ने नासा, यूएस गवर्नमेंट और FBI तक के कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक कर लिया था, और ऊपर से एक देश ने तो स्पेशली क्रिएटेड साइबर वायरस पूरे इंटरनेट में ही फैला दिया था, और पूरी की पूरी इंटरनेट आर्मी ही खड़ी कर दी थी जो दूसरे देशों पर खुलेआम साइबर अटैक्स करती फिरती थी। और क्या आपको बताया वो देश कौन था? Well, उसका जवाब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले did you know, एक लाइव शो के दौरान में एक बंदे ने गाड़ी जीतने के लिए सभी का वहां पे मौजूद लोगों का मोबाइल फोन ही हैक कर दिया, और यहां तक कि FBI ऑफिसर्स का तक। और फ्रेंड्स, एक और एक बहुत ही ग्लोबल लेवल की इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके बाद से US गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट को खुलेआम अपराधी घोषित कर दिया। भाई, अब कौन सा नया वायरस लाया ये चाइना? Well, ये सभी कुछ जानने वाले हम आज के इस धमाकेदार वीडियो में, सो कृपया बने रहिए पूरे एंड तक। एंड लेट्स गेट ऑन विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड मोस्ट डेंजरस हैकर्स ऑफ ऑल द टाइम। नंबर 1, द सोलो मैन। दुनिया गई भाड़ में जब सोलो मैन आया अखाड़े में। ये वही हैकर है जिसने अपने खुद के दम पे नासा और US आर्मी के नाक में दम कर दिया था। इसने पूरे 13 महीने नॉनस्टॉप दिन रात एक करके 2002 में US मिलिट्री और नासा के कम 100 कंप्यूटर सिस्टम्स हैक कर दिए थे। 100 कंप्यूटर सिस्टम्स, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भूलो मत, US की मिलिट्री दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है, और उसको ऐसे ही हैक कर दिया। और इसीलिए सोलो मैन उर्फ गैरी मैकिनन को दुनिया का सबसे बिगेस्ट मिलिट्री हैकर कहा जाता है। इसीलिए ये हमारे आज के वर्ल्ड्स के मोस्ट डेंजरस हैकर्स की लिस्ट में भी है। इसके मिलिट्री हैक ने वाकई में US के भारी भारी और तगड़े शगड़े आर्म्स एंड एमिनेशंस को भी पैरालाइज कर दिया था, यानी जाम कर दिया, और वो भी अपने फिंगर टिप्स के जरिए बाय गेनिंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर देम जस्ट थ्रू इस कंप्यूटर। और इस लेवल की हैकिंग ने जहां पर देश के मिलिट्री वेपन्स ही डिफ्यूज हो जाए, उससे US गवर्नमेंट और मिलिट्री दोनों को शर्म से अपना सर नीचे झुकाना पड़ा। लेकिन नहीं, The solo man wasn't yet satisfied. उसने US के मिलिट्री के 100 के 100 सिस्टम्स में घुसकर एक टॉन्टिंग यानी चिढ़ाने वाला मैसेज डाला। जले पे नमक डालने का काम, you know? और वो मैसेज में क्या लिखा था पता है? Your freaking security is crap. मतलब भाई ने तो घर बैठे बैठे ही US की मिलिट्री को ही हिला के रख दिया। इनफैक्ट गैरी की वजह से US गवर्नमेंट को टोटल 70 लाख डॉलर्स यानी कि 51 करोड़ रुपीस का घाटा हुआ, और ऊपर से उसने हैक करने के बाद सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के फाइल्स को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। लेकिन अब US गवर्नमेंट की सनक गई, सड़क से उठा के उसे जेल में लेके आएंगे, ऐसा उन्होंने ठान लिया, और फिर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया और उसे जेल की सजा हो गई। बट यहाँ पर देश के लोगों ने ही गवर्नमेंट को धोखा दे दिया, और पूछो क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से भाई के हैकिंग स्टाइल के दीवाने हो गए थे, एंड बीइंग अ UK सिटीजन, UK के ऑफिशियल्स भी एकदम लट्टू थे इस पे। So, जब दोनों जनता और UK के ऑफिशियल्स ने इस चीज का समर्थन किया, तब इस पब्लिक प्रेशर में US गवर्नमेंट उसका बाल भी बाका नहीं कर पाई। इस घोर सजा के लिए गैरी को आराम से 70 साल की सजा हो सकती थी, मगर वो एक मूवी हीरो की तरह बड़े आराम से जेल से छूट गया। और तो और, साला बड़े आराम से UK में खुद की SEO फोकस्ड कंपनी चला रहा है और सड़े आम सड़क पे घूमता है। भाई, मेरा YouTube चैनल Google के टॉप सर्च में डाल दो, बड़ी कृपा होगी। बस हाँ, डालते डालते मेरा जेब मत काटना, क्योंकि मेरा स्ट्रगल रियल है। नंबर 2, लाइव शो हैक। और फ्रेंड्स, इमेजिन करिए आप KBC के हॉट सीट पर बैठे हो और आप ढेर सारा माल जीतने ही वाले हो कि ये क्या हो गया भाई, सिस्टम क्रैश। दत्त तेरे की आज साला पूरा 5 करोड़ जीत के जाता मैं, और आप
देखते हो कि कोई दूसरा लावारिस बंदा जीत जाता है आपके जगह पे और घर लेके जाता है प्राइज मनी के साथ साथ एक गाड़ी, और आप देखते ही देखते ले लेते हो समाधि। वेल काइंड ऑफ ऐसे ही कुछ कांड करने वाला बंदा हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है, केविन पोल्सन, जिसने एनबीसी के अनसॉल्व मिस्ट्रीज के लिए शो के बीच में सारे फोन्स को हैक कर लिया था, जिससे वो ही सिर्फ और सिर्फ शो का विनर बन पाए और घर लेके जाए चमचमाती पोर्श कार। लेकिन चीटिंग करने की इस होड़ में उसने एफबीआई को अपनी ओर चौकन्ना कर दिया और फिर एफबीआई को शक पड़ा कि केविन ने कुछ ना कुछ घपला गोलमाल जरूर किया है, और फिर उनका शक यकीन में तब बदला जब केविन ने इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने के लिए एफबीआई के ही कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक कर लिया, और इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करने के बाद ये भाई तो सीधा 9-2-11 हो गए। लेकिन भागने के बाद भी भाई की नियत नहीं बदली और इसी बुरी नियत ने उन्हें वापस से एफबीआई के सामने खड़ा कर दिया। केविन ने एक बड़े से सुपरमार्केट सिस्टम को सक्सेसफुली हैक किया, लेकिन अनसक्सेसफुली वो पकड़ा गया और दुर्भाग्यवश इस बार वो 21 महीनों के लिए जेल की कैद में चला गया। और अब फ्रेंड्स यहाँ पे आता है एक यूनिक सा ट्विस्ट। जेल में 21 महीने के लिए रहने के बाद उसमें एक बड़ा सा बदलाव आता है और वो ये सब हैकिंग शैकिंग छोड़कर एक न्यूज एजेंसी में पत्रकार बन जाता है। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है। इसके साथ साथ वो यूएस की पुलिस के हाथों में अपना हाथ थमा देता है और फिर वो अपने हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके पुलिस को क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प करने लगता है। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारे क्रिमिनल्स जेल के अंदर हो, ऐसे कहकर उसने 744 क्रिमिनल्स को यूएस के जेल में डलवाया। नंबर 3, जोनाथन जेम्स। अब फ्रेंड्स आजकल के स्कूल के बच्चों को जहां पर पबजी खेलने से और सोशल मीडिया पर चैटिंग वैटिंग करने और सेल्फीज अपलोड करने से फुर्सत नहीं है, वही ये जोनाथन जेम्स ने महज 15 साल की उम्र में ऐसा घोर अपराध किया कि उसे दंड देने के लिए यूएस गवर्नमेंट हाथ धोके मस्त नहा वहा के इस मासूम बालक के पीछे पड़ गई। अब फ्रेंड्स हुआ यू कि जोनाथन ने सबसे पहले 15 साल की उम्र में अपने लोकल स्कूल का पूरा सिस्टम हैक कर लिया और वो पकड़ा भी नहीं गया, और इससे इंस्पायर होके इस बच्चे को और उंगली करने की सूझी। ये एक लेवल या कह सकते हैं 10 लेवल और आगे गया और इसने सीधा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ही सिस्टम्स को पूरा हैक कर लिया, मतलब डिफेंस डिपार्टमेंट के ही डिफेंस को तोड़ दिया, और इससे इस नन्हे से बालक को यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के एक एक कदम की पहले से ही भनक रहती, कौन आया से लेके कौन गया, कब आया से लेके कब गया, सब कुछ। लेकिन इससे भी इसका पेट नहीं भरा, ना पकड़े जाने की झूठे हौसले ने इसे एक और एक या 10 लेवल और ऊपर पहुंचाया और ये महाशय अब निकल पड़े नासा को हैक करने के लिए। एंड गेस व्हाट, नासा को अपनी लाइफ में पहली बार 3 हफ्तों के लिए अपना पूरा का पूरा नेटवर्क शटडाउन रखना पड़ा, और वो भी एक बच्चे की वजह से। इट वाज अ बिग ब्लो टू नासा'स रेपुटेशन। बच्चे ने अपने घर पे बैठे बैठे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसे काम करता है उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ही ढाप लिया, और इससे ये बच्चे का रफ नेटवर्क पता है कितना हो गया, $1.2 million। और अब जब यूएस गवर्नमेंट और नासा दोनों किसी शैतान के पीछे पड़ जाए तो उसे पाताल लोक से भी खोज कर निकालेंगे। और ऐसा ही हुआ, एक दिन ये बच्चा पकड़ा गया और जब यूएस गवर्नमेंट को पता चला कि ये सिर्फ 15 साल का है, सभी लोग शौक के शौक रह गए। अब करे तो करे क्या, पनिशमेंट दे नहीं सकते, सिर्फ 15 साल का है, उसे केवल हाउस अरेस्ट में रखा गया और साथ ही अपने दुष्कर्मों के लिए प्रायश्चित करने के लिए नासा और डिफेंस सेंटर लेके जाया गया। और कुछ इस तरह ये बच्चा आई एम सॉरी बोल के सुमड़ी में निकल गया। नंबर 4, हैकर्स की आर्मी। अब हम लोग आज जहाँ पे गैरी, केविन और जोनाथन जैसे खतरनाक हैकर्स से गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस की फट जाती है, वही धड़कनों को और बढ़ाने के लिए खतरनाकम विशेषम सर्वश्रेष्ठम गैंग बोले तो आर्मी ही आ गई है, जहाँ एक से एक खतरनाक हैकर्स बैठ के धूम मचा रहे हैं। तो जरा सोचो क्या होगा अगर ये मंडली करेगी अपनी कांडोली। 2011 में सीरिया के सबसे शातिर हैकर्स की एक सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी बनाई गई, और आप बिलीव नहीं करोगे बट इस आर्मी को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद सीरियन गवर्नमेंट थी, जिसने अपने राष्ट्रपति बशार अल असाद के समर्थन के लिए हैकर्स की आर्मी क्रिएट की। और इस तरह ये दोनों चोर पुलिस की जोड़ी खुल्लम खुल्ला मिली भगत करके साइबर अटैक का रैकेट चला रहे थे। जो कोई भी प्रेसिडेंट या सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ उंगली करता, ये आर्मी सीधा मार्च पास्ट करके फिशिंग और डीडोस अटैक का इस्तेमाल करके उसका सब कुछ
हैक कर लेती। टेररिस्ट ग्रुप्स पर ये अपना निशान साधती और साथ ही ऑपोजिशन पार्टी और न्यूज आउटलेट्स वाले जो गवर्नमेंट के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। और इनफैक्ट इनका हौसला और हिम्मत तो इतना बढ़ गया कि इस इंटरनेट आर्मी ने तो यूएस के डिफेंस सिस्टम्स ही हैक कर लिए। और 2011 तक सीरिया वो पहला देश था जिसने इंटरनेट आर्मी क्रिएट करके उसे खुलेआम अपने दुश्मनों पर साइबर अटैक्स करने का हुक्म दिया। नंबर 5, चाइना का नया वायरस। अब फ्रेंड्स, यूएसए की तो जैसे निकल पड़ी है, या कह सकते लगी पड़ी है, कोई भी एरा गेरा नतु केरा आ जाता है और उसके सिस्टम को हैक कर लेता है। और ऐसे ही एक हैकर ने यूएस का आज तक का सबसे बड़ा हैक परफॉर्म किया। एंड दिस हैक वाज नोन एज ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट हैक। अब ये हैक एक ऐसा हैक है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि ये हैक दूसरे हैक से थोड़ा हटकेला हैक है और इसे करने वाला वाकई में थोड़ा सटकेला भी था। इस हैकर ने पिछले 50 सालों में जिस किसी ने भी यूएस गवर्नमेंट के लिए काम किया और फिर चाहे वो एम्प्लॉइज हो या फिर कंसल्टेंट्स, एक एक करके सभी के डिटेल्स हथिया लिए। 50 सालों का रिकॉर्ड क्या होता है वे, मतलब इसने तो यूएस के कर्मचारियों की पूरी कुंडली ही निकाल दी और सीधा अपने पंडित जी जी जिनपिंग के सामने परोस दिया। और समझदार के लिए इशारा ही काफी है, सही समझे आप, ये हैकर शी जिनपिंग का ही बंदा था। ये बंदे का नाम यू पिंगान है और दोनों ने मस्त पिंग 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 करके पूरा का पूरा डेटा ही हैक कर लिया यूएस का। और फ्रेंड्स, यूएस ने चाइना का ये वायरस 2015 में डिस्कवर किया अपने पीसीज में। मतलब समझ रहे हो, ये चाइनीज लोग कितने बार साले वायरस लाए हैं, कभी जानवरों में तो कभी इंसानों में तो कभी कंप्यूटर्स को भी नहीं छोड़ रहे। एनीवेज, गुस्से में मैं जरा इधर उधर निकल जाता हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, पिंगान ने यूएस के सारे सीक्रेट एम्प्लॉइज की फाइल्स जब्त कर ली थी, यानी उसके पास टॉप अंडरकवर एजेंट से लेकर CIA और FBI के सभी के सभी एम्प्लॉइज की सारी डिटेल्स थी। और फाइनली 2 साल के बाद 2017 में यूएस गवर्नमेंट के हाथ ये 36 साल का चीनी लौंडा लग गया और उसकी वाकई में लग गई, क्योंकि उसे कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट एंड कॉन्स्पिरेसी टू डिफ्रॉड यूनाइटेड स्टेट्स के तहत जेल की सजा सुनाई गई। और पकड़े जाने के बाद इस बड़ी बात का भी खुलासा हुआ कि पिंगान के पास ना सिर्फ 215 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डेटा है, बल्कि उसके पास तो उनके दूर दूर के रिश्ते नातों का भी डेटा था। और इसी वजह से, जैसे मैंने आपको इस पॉइंट के इंट्रो में कहा था, यूएस गवर्नमेंट इसे द ऑल टाइम बिगेस्ट डेटा हैक कहकर पुकारती है और ये यूएस का सबसे नोटोरियस हैकर है। नंबर 6, अस्त्र का सबसे बड़ा शस्त्र उसका हिडन आइडेंटिटी होता है। आज लोग और पूरी की हैकर्स की कम्युनिटी इस खतरनाक हैकर को उसके फेक अस्त्र यानी कि नाम से ही जानते हैं और उसके आगे किसी को भी कुछ नहीं पता है। सो ये कुछ अर्ली 2000s की बात है जब एस्ट्र, जिसे हम अस्त्र बुलाएंगे, ने एक फ्रेंच एयरक्राफ्ट कंपनी Dassault ग्रुप को पूरी तरीके से हैक कर लिया था। और हैक करने के 5 सालों तक इस बंदे ने मुफ्त में Dassault को भर भर के असॉल्ट किया और उसका पूरा वेपन टेक्नोलॉजी डेटा को चुराकर अब वेपन डिटेल्स हैक करना एकदम डेंजर काम है बॉस। और मोस्टली आपको तो पता होगा ही, लेकिन अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि Dassault ने रफाल और मिराज जेट फाइटर्स जैसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन भी बनाए हैं, जिसमें से कुछ तो इंडिया भी इम्पोर्ट करता है। सो अब जरा सोचो, ये डिटेल्स अगर किसी गलत हाथ में पड़ जाता, जैसे टेररिस्ट ग्रुप, तो ये कितना घातक साबित हो सकता था फॉर ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। और इस हैक की वजह से बेचारे Dassault को $360 मिलियन यानी पूरे 2,642 करोड़ का चूना लगा। मगर Dassault के गले में थोड़ी राहत तब लगी जब अस्त्र ने अपना शस्त्र छोड़ा और वो आ गया सीधा पुलिस की गिरफ्त में। और आज तक सिर्फ इतना ही पता लग पाया है कि वो 58 ईयर्स का ग्रीक मैथमेटिशियन बुड्ढा है और उसका चेहरा और असली नाम आज तक किसी को भी रिवील नहीं किया गया है और इसीलिए ये राज आज भी राज बन के रह गया है। So friends, आज हैकिंग हर जगह है, बड़े बड़े गवर्नमेंट खुद इसका शिकार बनते रहते हैं और हम क्या चीज है। और अब अपनी पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आप हैकिंग से बचना चाहते हो तो ऑलवेज बी केयरफुल, किसी भी फालतू लिंक्स या मैसेज पे क्लिक मत करो या किसी भी फेक क्रेडिट कार्ड कॉल्स को एंटरटेन ना करो और किसी भी ऐप अनजाने ऐप को परमिशन मत दो अपने फोन में। अब ये सब बेसिक सेफ्टी मेजर्स है जो मे बी आपको पहले से ही पता होंगे, बट या दिस इज अ साइलेंट रिमाइंडर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर ठोकना, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट को आप मिस ना कर सको। See you in another video, friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।